वीडियो स्टार्ट होते ही रोने मत लग जाना कि ये आईफोन 16 को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन कैसे बोल सकती है, जबकि यहाँ तो सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और एंड्रॉइड फोन तो 20,000 वाले फोन में भी 120 हर्ट्ज दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोग सिर्फ 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट चाहते हैं तो वो ये वीडियो देखना यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज LTPO वाले बहुत फोन है मार्केट में, आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि आईफोन 16 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो ज्यादातर लोग शायद इग्नोर करेंगे और वो है स्पेशियल वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर हम अपने फोन में कोई पुराने वीडियोस देखते हैं, जैसे 3 साल पुराने या फिर 5 साल पुराने, तो उन एंड्रॉइड फोन की वीडियो क्वालिटी बेकार ही लगती है और शायद इस वजह से वो अच्छे नहीं लगते। अगर आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया होगा तो वो आज भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग सच में बहुत अच्छी होती है। अब पॉइंट ये आता है कि आईफोन 16 में ऐसा क्या है जो इसे और भी बेहतर बना देगा। फ्यूचर में एप्पल की विजन प्रो और थर्ड पार्टी के विजन प्रो आने वाले हैं, और विजन प्रो में वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए उसका स्पेशल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। आईफोन 16 से इस फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो कि फ्यूचर में विजन प्रो में देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। हमें किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ आज की डेट से नहीं देखनी चाहिए। अगर हम आज किसी भी फोन से वीडियो रिकॉर्ड करें तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती वीडियो देखने पर, लेकिन अगर हम सेम वीडियो को 5 साल बाद देखें तो बेस्ट फीलिंग आती है, और जब सेम वीडियो अच्छी क्वालिटी में हो फिर तो बात ही अलग होती है। आज हमारे पास विजन प्रो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर होगा जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी और ये और सस्ते हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि आईफोन 16 का ये फीचर बेस्ट क्यों है। दूसरा पॉइंट आता है एप्पल की क्वालिटी, जो कि हर एक एंगल से समझ आती है। आईफोन 16 में A18 बायोनिक चिपसेट यूज किया गया है, जो कि एक बड़ा अपग्रेड है आईफोन 15 के कंपैरिजन में। इससे परफॉर्मेंस तो और स्ट्रांग होगा ही, साथ ही अब हमें यहाँ एप्पल इंटेलिजेंस का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। बायोनिक A18 की वैल्यू भी लॉन्ग टर्म में दिखाई देगी जब ये फोन 4 से 5 साल भी एकदम मस्त चलेगा, और AI का यूज एंड मार्केटिंग तो हर एक ब्रांड कर रहा है, तो एप्पल भी इसमें पीछे क्यों रहे। एप्पल इंटेलिजेंस का यूज भले ही दिखाई ना दे, लेकिन इसका नोटिफिकेशन समरी, ईमेल समरी और एप्स ऑप्टिमाइजेशन में AI का तड़का जरूर दिख जाएगा। इसके साथ ही आईफोन 16 में अब एक्शन बटन दे दिया गया है, जिसमें हम कई सारे कमांड सेट कर सकते हैं और इसका भी यूज किया जा सकता है। कैप्चर बटन का होना भी आईफोन 16 में अनएक्सपेक्टेड था। ये सोचा जा रहा था कि कैप्चर बटन सिर्फ प्रो मॉडल सीरीज में ही देखने को मिलेगा, लेकिन एप्पल ने ये कैप्चर बटन भी आईफोन 16 में दिया है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज ही क्या है, ये तो फालतू है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत यूजफुल है। हम जब किसी भी कैमरा को यूज करते हैं तो हम उसके बटन का ही यूज करते हैं, ना कि उसकी टच स्क्रीन यूज करके। जो लोग भी कैमरा यूज कर चुके हैं वो इस बटन को फुल रिस्पेक्ट देंगे। इस बटन से कैमरा ओपन करने से लेकर सेटिंग चेंज करने तक सब कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा एक दो पॉइंट ऐसे भी थे जिसकी वजह से बहुत से लोग सिर्फ एंड्रॉइड ही प्रेफर करते थे। उनमें से एक था वीडियो पॉज बटन। अब यहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम पॉज भी किए जा सकते हैं, और बहुत से लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी चाहिए होती थी तो वो भी अब iOS 18 में मिल जाएगी। एक और पॉइंट, आईफोन 16 में बैटरी लाइफ को और इम्प्रूव कर दिया गया है। आईफोन 15 के कंपैरिजन में एप्पल के हिसाब से यहाँ 2 घंटे का स्क्रीन वॉच टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा वीडियो देखने पर, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि आईफोन 16 सीरीज को 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट है। अब ये कितना सच है ये तो फोन बाय करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो एप्पल के बहुत से इम्पोर्टेंट और क्वालिटी पॉइंट डिस्कस करना रह ही गए। बिल्ड क्वालिटी तो एप्पल की टॉप क्लास है, और इस बार तो फ्रंट में 2nd Gen सिरेमिक सील का यूज किया गया है, जो कि एप्पल के अकॉर्डिंग 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिस्प्ले में इस बार कोई ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी टॉप क्लास है आईफोन 15 में भी। सिर्फ नाम की ब्राइटनेस बढ़ा देने का कोई सेंस नहीं बनता OnePlus की तरह। अब मैं आपको बताती हूँ कि एप्पल ने असली गेम कहाँ खेला है, और उस गेम की वजह से आईफोन 17 बड़ा अपग्रेड हो सकता है, ना कि ये आईफोन 16। डिमांड तो सिर्फ 120 हर्ट्ज की थी। एप्पल आज भी 80,000 से 90,000 के फोन में सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे रहा है। अगर एप्पल को सच में यूजर एक्सपीरियंस से मतलब है तो इस गिमिक से हटकर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे देता। अगर एप्पल यूजर के बारे में सोचता तो टाइप सी पोर्ट USB 2.0 की जगह टाइप 3 करता। मतलब कुछ भी चल रहा है,
इस बजट में जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है एप्पल वो तो दे ही नहीं रहा है। 80,000 का फोन बाय करो और फिर से ये स्लो फील होने वाली डिस्प्ले यूज करो, जबकि बाकी कंपटीशन वाले फोन इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज LTPO वाली डिस्प्ले दे रहे हैं। अरे LTPO नहीं तो 120 हर्ट्ज ही दे देता, अरे 120 हर्ट्ज भी नहीं तो सिर्फ 90 हर्ट्ज ही दे देता। लेकिन पॉइंट वही आता है, अगर इस फोन में 120 हर्ट्ज मिल जाती तो प्रो मॉडल्स कौन बाय करता, और एप्पल तो सबको पुश करने में लगा है कि सिर्फ प्रो मॉडल सीरीज ही बाय करो। हाँ परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस तो आईफोन 16 का भी बहुत अच्छा था। परफॉर्मेंस से रिलेटेड शिकायत तो वहां कभी नहीं थी, शिकायत थी तो हीटिंग की। वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम तो यहाँ भी नहीं दिया गया। सच तो ये है कि आईफोन पिक्सल से भी ज्यादा हीट करते हैं और आईफोन यूजर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट ना करने का सिंपल सा रीजन है कि शो ऑफ करने के लिए आईफोन तो ले लिया, लेकिन अगर इसकी कमियां बोलने लगे तो लोग इनको ही बेवकूफ बोलेंगे। गूगल ने पिक्सल 9 सीरीज में वेपर चैम्बर नहीं दिया, लेकिन इसके बाद पूरे मार्केट में फैल गई। लेकिन आईफोन में भी वेपर चैम्बर नहीं दिया, इसके बाद कोई नहीं करेगा, स्पेशली आईफोन बायर्स। अब कैमरा जो टेढ़े मेढ़े थे उनको सीधा कर दिया गया है। वैसे आईफोन 12 तक ये कैमरा ऐसे ही सीधे थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ हम स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे देश में आईफोन बेस मॉडल बाय करने वाले लोग अगले 10 साल तक भी एप्पल विजन प्रो नहीं खरीदने वाले, तो इस स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग का बेनिफिट यहाँ नहीं होने वाला। बाकी डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, सेम डिजाइन है आईफोन 15 की तरह, सिर्फ कलर्स को छोड़कर। वहां लाइट कलर यूज किए गए थे और यहाँ डार्क कलर यूज किए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। देखो पॉइंट बस इतना है कि ये बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन आईफोन 15 भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आईफोन 16 को बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के पॉइंट से तो बाय करना बिल्कुल नहीं बनता। एक नेगेटिव पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गई कि अभी भी यहाँ बेस मॉडल 128 GB ही है। 256 GB के लिए 90,000 डीले करने पड़ेंगे, और इस प्राइस पर तो S24 अल्ट्रा भी मिल जाएगा दिवाली सेल में। AI की बात तो तभी करेंगे जब फोन में AI आ जाएगा, और वैसे भी एप्पल का अपना AI कुछ भी नहीं है, या तो कुछ गूगल से लिया गया है या फिर ChatGPT से लिया गया है। आईफोन 16 सीरीज में जो भी फीचर्स ऐड किए गए हैं उनका यूज बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, फिर चाहे वो कैप्चर बटन हो या फिर स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर एप्पल इंटेलिजेंस हो। डिस्प्ले में ना तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिली, ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। बेस मॉडल भी 128 GB है और टाइप सी पोर्ट भी USB 2.0 ही है। अब पॉइंट सीधा सा है कि अगर आपको आईफोन ही बाय करना है तो फेस्टिवल सेल में 50,000 से 55,000 में आईफोन 15 खुशी खुशी बाय कर सकते हैं। बट मैंने जो पॉजिटिव पॉइंट्स आईफोन 16 के बताए हैं, अगर आप उन पॉजिटिव पॉइंट से सहमत हैं, तो आप आईफोन 16 ही बाय करें। यहाँ आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं देगा अगर आप पॉजिटिव पॉइंट पर ही फोकस करेंगे तो। बाकी आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, बेस मॉडल भी 256 GB होगा, और हो सकता है वहाँ टेलीफोटो सेंसर भी मिल जाए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।